लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से पहले जो रेसिस्टेंस बेसिकली यहाँ रिलेटेड है ओम्स लॉ से, तो पहले उसको हम एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो आर इक्वल्स टू रो लेंथ डिवाइड बाई ए, ये रिलेशन निकाला था हमने रेसिस्टेंस का, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर हैं, तो रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो ये रिलेशन बन के ये आ रहा है। एक और फैक्टर है, वो है फैक्टर टेम्परेचर, ठीक है। तो कंडक्टर के केस में, वो कंडक्टर से एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। फॉर सेमी कंडक्टर, ये कंडक्टर आ गया सेमी कंडक्टर, तो टेम्परेचर जैसे आप इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसको समझो। देखो चार्ज कैरियर, जैसे कि मैं एक हाईवे का ले रहा हूँ, तो हाईवे है एक वायर का, ये कंडक्टर है, सही है। तो ये हाईवे है ना, हाईवे एक्सप्रेस वे जो भी है। तो एक साइड ले रहे हैं उसकी, तो उसमें क्या है, जो हाईवे है वो एनालॉगी है उसकी वायर की या जो कंडक्टर की, ठीक है। और उसके अंदर जो कार जो मूव कर रही हैं, है ना, वो उसको हम मान सकते हैं कि वो है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो अब सपोज करो जो हाईवे की जो कैपेसिटी है वो 50 जो कार हैं, सही है, वो पर मिनट पास कर सकता है ये हाईवे, इसकी कैपेसिटी है जो स्मूथली ये पास हो जाती हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, अगर कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब वो जैसे जानते हो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपने किया कि उसको आपने जब फ्रैक्शन किया तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, कि एटम को एनर्जी मिली है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपनी जो ऑर्बिट को छोड़ देता है। तो कहने का मतलब है नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो सपोज करो वो हो गए 75 कार, ठीक है। अब 75 कार अगर इसी इसमें आपको फ्लो करानी है, ठीक है, तो अब वो फ्लो वो तो कंजेस्टेड हो जाएगा, जाम लगना शुरू हो जाएगा, सही है। तो जाम लगना शुरू हो जाएगा का मतलब क्या है, जो उसकी स्पीड है, जो चार्ज के जो मूव, जो चार्ज के मूव करने की जो स्पीड है वो क्या हो रही है, स्लो डाउन हो रही है। तो स्लो डाउन हो रही है तो उससे क्या होगा, जो चार्ज ही अगर फ्लो नहीं हो रहा है ना, चार्ज अगर का जो चार्ज का फ्लो है वो स्लो डाउन हो गया, तो जो करंट है वो भी उसकी रिड्यूस हो जाएगी। तो करंट रिड्यूस हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, करंट को कोई अपोज कर रहा है, तो अपोज जो कर रहा है वो क्या है, रेसिस्टेंस। तो कहने का मतलब रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो इसको जो कार जो इसके अंदर फ्लो कर रही हैं, तो नंबर ऑफ कार जो है हमारी बढ़ गई, तो नंबर ऑफ कार अगर बढ़ गई तो इस कंजेस्टेड एरिया में, तो फिर क्या होगा, जो कार है या तो वो एक दूसरे से कोलिजन करेंगी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं कंडक्टर केस में, देखो यहाँ कार में तो ड्राइवर है, उसके साथ कुछ पैसेंजर हैं और सवारी हैं ना, तो अगर कोलिजन हो जाता है तो फिर तो जाम ही लग जाएगा। पहले तो उनको निकालना है वहाँ से, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है ना। तो पर जो कंडक्टर वाले केस में, उसमें इलेक्ट्रॉन है, उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। तो बेसिकली होता क्या है, वो कोलिजन रेट बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, ये इलेक्ट्रॉन किसी और से टकराएगा, ये किसी और से टकराएगा, तो कोलिजन रेट से क्या हो जाता है, जो स्पीड है, जो चार्ज की जो ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड है, चार्ज की जो मूव की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। वो रिड्यूस हो जाएगी तो उससे क्या होता है, करंट रिड्यूस होगा, करंट रिड्यूस होगा तो इसका मतलब है रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर एक फैक्टर भी है, तो हम ये मानते हैं, तो जब ओम्स लॉ के लिए बात कर रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, तो एक सर्किट में ले लेता हूँ, अब यहाँ पर सपोज करो कोई ये वोल्टेज सोर्स, बैटरी लगा दी मैंने इधर, ठीक है, और उसमें मैंने एक यहाँ पर एक एमीटर लगा देता हूँ इधर, ठीक है। तो एमीटर का भी छोड़ते हैं, एमीटर नहीं लगाते, उससे पहले लगाते हैं एक रियोस्टेट, रियोस्टेट मतलब जो वेरिएबल सप्लाई देगा, ठीक है। तो एक रियोस्टेट लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, इसको मैंने इस तरह लगा दिया, और मैं यहाँ पर एक लगाया एमीटर, ठीक, और उसमें आगे फिर मैंने यहाँ पर एक रेसिस्टर रोल लगाया, तो उसको कंडक्टर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, तो कंडक्टर का भी एक रेसिस्टेंस होता है ना, तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। इसके अक्रॉस मैंने मेज़र करने के लिए इसमें एक लगाया वोल्ट मीटर, ठीक। तो अब हम इस एमीटर की
अब रियल स्टेट को घटा बढ़ा के हम यहाँ से क्या है, करंट को घटा बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो रियल स्टेट क्या है, वेरिएबल रेसिस्टर है। तो अगर ये जीरो पे है, सही है, जैसे मैंने डिस्कस किया था जब मैंने वेरिएबल रेसिस्टर बताया था कैसे उसे लाइट करते हैं, जैसे फ़ैन का है ना। हाँ, अगर आप मैक्सिमम फ़ैन चलाना चाहते हो तो उसको क्या करोगे, उसका रेसिस्टेंस जीरो रखोगे, तो वो फ़ैन के सीरीज में है। तो इस फैन, तो ये जो रेसिस्टेंस है इसके रेसिस्टेंस के सीरीज में है। अगर इसको आप जीरो कर दोगे तो मैक्सिमम करंट जाएगी, सही है। अगर आप इसका रेसिस्टेंस मैक्सिमम रखोगे तो यहाँ मिनिमम करंट जाएगी। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो रीडिंग है, सही है, तो करंट की रीडिंग और इधर फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो करंट की रीडिंग आ रही है एम्पियर में और वोल्टेज जो है, सही है, जो वोल्टेज है एक्रॉस द कंडक्टर, एक्रॉस द कंडक्टर की बात चल रही है। तो यहाँ पर पहले सपोज करो करंट थी 1 एम्पियर, सही है, और इसके अक्रॉस जब वोल्टेज फाइंड आउट की तो वो निकली 1 वोल्ट। करंट बढ़ाई, रियल एस्टेट को बढ़ाया, सही है, तो वो 2 एम्पियर आया। तो जो वोल्टेज आई वो भी 2 वोल्ट आई। 3 एम्पियर पे 3 वोल्ट वोल्टेज आई। तो इस वोल्टेज, वोल्ट मीटर की बात चल रही है और इस मीटर की बात चल रही है, ठीक है। तो इस तरह की रीडिंग आई, ठीक है। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे करंट बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ती जा रही है। तो कहने का मतलब है इससे रिलेशन निकला आई प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। अब आई प्रोपोर्शन है वी के। फिर एक दूसरा केस और है, फिर एक और कोई इन्होंने रेसिस्टर लगाया किसी और मटेरियल का, सही है। तो अब उसमें क्या रिलेशन आया, वो रिलेशन इस तरह का है, करंट ए, सही है, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम ये रहेगी, बस जो अब है रेसिस्टेंस चेंज कर दिया, जो कंडक्टर है वो चेंज कर दिया, ये समझ लो। तो यहाँ पर वोल्टेज है पी में, ठीक है। तो पहले सपोज करो यहाँ पर कॉपर का लिया हुआ था, अब इस बार इन्होंने आयरन का ले लिया, ठीक। तो करंट दी इन्होंने 1 एम्पियर, ठीक। वोल्टेज जो आई यहाँ पर, यहाँ पर आई 2 वोल्ट। करंट दी इन्होंने 2 एम्पियर, वोल्टेज आई 4 वोल्ट। करंट दी इन्होंने 3 एम्पियर, वोल्टेज आई 6 वोल्ट, ठीक है। तो आई अभी भी प्रोपोर्शनल है, जो प्रोपोर्शन ही कॉन्स्टेंट है पर वो डिफरेंट है। इसमें आई इक्वल्स टू वी है, सिंपल है ना। तो जो प्रोपोर्शन कॉन्स्टेंट है वो इक्वल्स टू 1 है, तो आई इक्वल्स टू वी ही है यहाँ पर एक तरह से, है ना। 1 1 2 2 3 3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर फर्क कितना है, फैक्टर 2 का। तो अगर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट देखो तो वी डिवाइड बाई 2, सही है। तो यहाँ पर एक जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वो बना आई इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई आर। तो 1 बाई आर जो है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हुआ। तो यहाँ पर आई इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई आर, तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, 1। इस केस में यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, 2। अब इसकी यूनिट क्या है आर की, तो ये है वोल्ट, ये है, सॉरी, इसकी यूनिट निकालनी है तो आर इक्वल्स टू मुझे करना पड़ेगा वी डिवाइड बाई आई। तो वोल्ट डिवाइड बाई एम्पियर, सही है। तो वोल्ट डिवाइड बाई या वोल्ट पर एम्पियर, एक तो हो गई ये यूनिट, पर ओम्स के नाम पे इन्होंने इसको वोल्ट एम्पियर को, वोल्ट पर एम्पियर को इन्होंने नाम दिया किसका, ओमेगा। ओमेगा है, इसको बोलते हैं ओम। तो ओमेगा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं आर की यूनिट को। तो यानी यहाँ आर ओम, 1 ओम, यहाँ आर 2 ओम, इस तरह का हो गया, क्लियर है। तो अब इसको अगर इसको ग्राफ में प्लॉट करें, तो इस पहले वाले को, तो इसको अगर ग्राफ में प्लॉट करोगे तो इस तरह का आएगा भाई। यहाँ पर इधर ले लो करंट, कंडक्टर करंट दे रहे हैं, वोल्टेज आ रही है, 1 एम्पियर दिया, 2 एम्पियर दिया, 3 एम्पियर दिया। यहाँ पर ये 1 वोल्ट, यहाँ पर 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर। तो एक तो पॉइंट ये बना जो करंट दी 2 इस ग्राफ के लिए, एक पॉइंट ये बना, और ऐसे ही फिर एक पॉइंट, अच्छा ये थोड़ा सा इधर हो गया, तो ये ठीक है ना, ये लीनियर आएगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं लीनियर। फिर ये मिलाया तो ये इस तरह ग्राफ बन गया। तो
इस वाले के केस में अब ग्राफ ऊपर या नीचे हो सकते हैं, अब इसको ज़रा देखने की ज़रूरत है। तो जो नीचे वाला है इसको अगर ग्राफ में प्लॉट करो तो कैसा आएगा इस वाले को? तो यहाँ पर करंट, तो यहाँ पर वन, यहाँ पर ये टू, यहाँ पर ये थ्री। अब यहाँ पर वोल्टेज, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स। तो जब वन दिया तो टू आया, जब टू दिया तो यहाँ पर फोर आया, यहाँ पर थ्री दिया तो यहाँ पर सिक्स आया। तो अब जो आया ये इस तरह का आया, ठीक। अच्छा, इसी पे ही मैं ऊपर वाले को प्लॉट करूँ, इसका कलर चेंज कर देते हैं पेन का, ठीक है। तो वन वन पे आया ये आया, टू टू पे ये, इसको डैश 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 करके आगे बढ़ाओ, इसको इधर बढ़ा दो। अब थ्री पे थ्री, तो ये वाला आया ये। अब ये जो स्लोप है यहाँ पर, आर इक्वल्स टू कितना है? वन। जो स्लोप है ये कितने का हुआ? वन का। ये स्लोप कितने का है? वन बाई टू का। तो आर इक्वल्स टू वैल्यू क्या है यहाँ पर? टू। तो जो स्लोप है, इस स्लोप को मेज़र कैसे करते हैं? वाई बाई एक्स, ये तो स्लोप को मेज़र करते हैं। तो ये स्लोप आप इसका पता लगा सकते हैं। तो स्लोप जो है यहाँ पर वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स आता है, वाई बाई आता है सिक्स बाई, तो ये आएगा थ्री। तो स्लोप टू का होगा, वन बाई टू का होगा। भाई स्लोप होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? टेन थीटा होगा हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा, इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ये तो वाई बाई बेस एक्स। हाँ, तो वाई बाई एक्स ही है, ठीक है। तो ये हमारा बना, ठीक है। तो ये हमारा, तो यहाँ पर आर की वैल्यू जो है इक्वल्स टू टू है, यहाँ आर की वैल्यू है जो है वन है, ठीक। तो जो स्लोप आया यहाँ पर, टू का स्लोप है ये, वन का स्लोप है। ऐसे ही अगर कोई नीचे जाए, सही है, तो उसका स्लोप आर इक्वल्स टू वो 0.5 वोल्ट के ओम के आसपास होगा, ठीक है ना। तो मतलब आप करंट बढ़ाते जा रहे हो, वोल्टेज बढ़ी नहीं रही, तो रेसिस्टेंस है कम है, ठीक है। आप करंट थोड़ी बढ़ा रहे हो, वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है रेसिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ग्राफ है। तो अब इसका प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट ये बनाया, मतलब जो फार्मूला बन के आया, सही है। तो आई प्रोपोर्शनल टू वी, इसका मतलब है आई इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई आर। तो वन बाई आर जो है वो प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट हो गया। बस इससे हमें लेके चलना है। तो अब इसका एक सिग्निफिकेंस है, वन ओम क्या है? तो वन ओम जो है वो क्या डिफाइन करता है कि वो कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिफाइन करता है, जो अलाउ करता है 1 एम्पियर करंट को, सही है। तो वन ओम क्या है? वन ओम अलाउ करता है 1 एम्पियर करंट को जब उसके एक्रोस, उस कंडक्टर के एक्रोस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ है बेसिकली, ठीक। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अब इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कुछ डाउट है या कुछ इसमें फीडबैक है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज लाइक कीजिए मेरा चैनल, शेयर कीजिए वीडियो, ठीक, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। चलिए, थैंक यू।